भगवान तो हमारा श्रीदम सर्वभूताणा भगवान सब जीवात्मा का सुहित है। सब समय चाहते हैं किस तरह से इसका मंगल हो और इसलिए भगवान साथ साथ में रहते हैं अंतर्यामी परमात्मा बंधु रूप से। तो ये भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए पहली बात है श्रद्धा विश्वास। तो भगवान में आत्मसमर्पण करने से हमारा सब काम सिद्ध हो जाए। कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है, और दूसरा काम करने का कोई आवश्यकता है नहीं। ज्ञान योग तपस्या कोई चीज की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का चरण में शरणा, इसके नाम है आसक्ति। यह आसक्ति इसका स्तर है। पहली श्रद्धा हादु श्रद्धा तथो साधु संघ, उसके पश्चात साधु लोग जो भगवत भजन करने में सब समय नित्य युक्त है, नित्य युक्त उपासक है, जो साधु है। साधु हो ये नहीं है जो कपड़ा बदलने से साधु हो जाता है। साधु का लक्षण है कि अनन्नवाद भजते मां उपीते सुदुराचार भजते मां मनन साधु रेव समन, वो साधु है क्योंकि सब समय भगवत भजन करते हैं। तो श्रद्धा का बाद यदि हमारा इस प्रकार श्रद्धा होए कि भगवान के चरण में शरणागति करने से ही हमारा सब काम सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने का क्या मतलब है? सिद्ध होने का मतलब यही है, ये जो जन्म मरण जरा मरण जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें जो हम फंसे हुए हैं, जीवात्मा मैं नित्य शाश्वत न हन्नते हन्न माने शरीर, ये जो मैं जीवात्मा हूं, हमारा शरीर नष्ट होता है, बाकी मैं जीवात्मा नित्य शाश्वत है, हमारा मरण नहीं होता, हमको शरीर पलटने पड़ता है। ये जो हमारा असुविधा है इसका नाम संसार चक्र, इससे छुट्टी ले, ये असल सिद्धि है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये ज्ञान है एक, ये जन्म मृत्यु से किस तरह से छुट्टी हो जाए, ये असल सिद्धि है। मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित जदति सिद्ध है, हजारों करोड़ों व्यक्ति के भीतर कोई वास्तविक क्या सिद्धि है वो जानने के लिए कोशिश करते हैं। और जततामों की सिद्धियां नाम कश्चित मान व्यक्ति तत्व, और वो सिद्धि सिद्धों का भीतर हजारों करोड़ों सिद्ध का भीतर कोई कोई भगवान को समझता है। तो पहली श्रद्धा, उसके बाद साधु संघ, साधु संघ जितना हम लोग करेंगे वो श्रद्धा की वृद्धि, और श्रद्धा की वृद्धि के साथ साथ हमारी सिद्धि भगवान में आसक्ति उतनी बढ़ी। श्रद्धा आदु श्रद्धा तथो साधु संघ, पर साधु संघ करने से फिर भजन क्रिया, साधु लोग किस तरह से भजन करने होता बताएंगे आचार्य लोग। इसलिए गुरु आकाश गुरु का पास जाना चाहिए, तद विज्ञानार्थम साधु में अभिगच्छे, ये वेदवाणी है। तो साधु का अर्थ होता है गुरु, साधु गुरु और शास्त्र साधु। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं साधु गुरु शास्त्र वाक्य तिनेते कोरिया ओक, साधु का वचन पहचान है शास्त्र से, और शास्त्र क्या है साधु का वचन है, और गुरु क्या है जो साधु है और शास्त्र को जानते हैं, ये साधु गुरु शास्त्र। साधु श्रद्धा तथो साधु संग, साधु संग करने से साधु भजन भजन क्रिया बताते हैं, और भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति सात, जितना अनर्थ है हम लोग बहुत अनर्थ में है वो सब निवृत्ति हो जाए। अनर्थ है या पाप है, पाप से निवृत्त हो जाता है। जैसे हम लोग के अमेरिकन और यूरोपियन ये भक्त लोग को कहते हैं कि अवैध स्त्री संग इसको छोड़ना चाहिए,
अपने विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं, ये अवैध है। अवैध स्त्री संघ, वैध स्त्री संघ, विवाहित स्त्री संघ, और अवैध जिससे विवाह नहीं है उससे संपर्क करते, ये अवैध स्त्री संघ महापाप है, ये अनर्थ है, ये हमको आगे बढ़ने को देगा नहीं। क्योंकि जब तक हम हमारा पाप से संपर्क रहेगा फिर हम भगवत भजन ठीक ठीक नहीं कर सकते। भगवान खुद कहते हैं जेषाम अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मा ते दंड महानिर्मुक्त भजन्ते मां धीरव्रता। धीरव्रत होकर के एकांत भाव से भजन करने के लिए अनर्थ से मुक्त होने पड़ेगा, पाप से निवृत्त होने पड़ेगा। अथ अनर्थ भजन क्रिया, जिसका वास्तविक भजन क्रिया हो रहा है वो अनर्थ से निवृत्त हो जाए, उसको फिर पाप जीवन नहीं रहेगा। तो पाप जीवन क्या है? ए अवैध स्त्री संग और वृथा पशु हिंसा और नशा भांग और जुआ खेल, शास्त्र ने बताया जत्र पाप से कुछ। तो अनर्थ निवृत्ति वास्तविक भजन क्रिया होने से ये सब अनर्थ से मुक्त हो जाए। फिर जाकर के रुचि, भगवत कथा में रुचि, फिर रुचि निष्ठा, भगवत भक्ति में निष्ठा। ये भगवत कथा सुनते सुनते जैसे भागवत में बताए सिन्नथा सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण की दल, भगवान की कथा सुनते सुनते पुण्य श्रवण की दल, जो सुनता है और जो बोलता है पुण्य श्रवण कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन से ही भगवत भक्ति शुरू होती है। श्रवणादि शुद्ध चित्त, जितना चित्त शुद्ध होगा भगवान की कथा सुनते सुनते उतना ही साधन वृद्धि हो। तो श्रवणादि शुद्ध चित्त करो युद्ध, भगवत भक्ति सबका हृदय में है, कोई बाहरी चीज नहीं है। जैसे ये यूरोपियन अमेरिकन भक्त लोग है, ये कृष्ण भक्त कैसा हो गया? सबका भीतर कृष्ण भक्ति है, केवल श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसको उदय करना चाहिए। चीज भीतर में है, केवल साधु संघ में भगवान का विषय में श्रवण करते करते चित्त दर्पण मार्जना, चित्त दर्पण मार्जना।